थोड़ी लगाई है घी मेरे वाले में, तो सुबह सुबह घी नहीं खाया जाता। ये नाश्ता है घी का? नहीं नहीं नहीं, लगाना चाहिए बढ़िया करके, तो अपने में लगा ले तो ये ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए बस नाम के, ताकि ख़त्म ही ना हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हो, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और देखिए, घर का काम जब तक फिनिश नहीं हो सकता, जब तक घर के मेंबर जब तक अपने अपने काम पे या स्कूल कॉलेज वगैरह ना चले जाएं, तो मेरा भी वही हाल है। मैं जब भी सारा काम फिनिश करती हूँ, जब तक ये सब चले नहीं जाते, उसके बाद ही मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट मिलता है कि मैं अपना आराम से काम कर सकूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो बस वही मैं अपना घर सारा मतलब उठा के, मतलब सारा सामान इधर उधर का जो भी फैला रहा जो हो जाता है, बच्चों की ड्रेस वगैरह देनी है, जैसे कपड़े उतार उतार के जाते हैं, तो मैं वही कर ही रही थी। आप सब समझ ही सकते हैं इस बात को कि घर में कितना काम फैलता है सुबह सुबह के टाइम में। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है फ्रेंड्स, और पहले मैं कर लूँगी अंदर वाले कमरे को बिल्कुल पूरा सेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा एसी वाला रूम है ये, इसमें फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है रोज़ की रोज़, या एक दिन छोड़ के मैं इसको साफ़ भी कर लेती हूँ फ्रेंड, पूरे घर में धूल धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पूरा कमरा मतलब बंद है ये। और फ्रेंड्स, जैसे कि सुबह सुबह नाश्ते में मुझे बनाना है आज दलिया, दलिया भी वो नमकीन दलिया, बिल्कुल खिचड़ी की तरह नहीं, वैसा वाला जो पुलाव की तरह होता है। तो मैंने ये इसकी तैयारी कर रखी थी पहले से ही, तो बस मैं छौंकने वाली हूँ इसको। तुम्हारे लोगों ने भी कम से कम नहीं खाई उस पर ऐसी है। हटना, चप्पल पहन जाऊं क्या? अब क्यों कर रहा है? जाओ भाई तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा।
वो कुर्सी आने वाली है, जल्दी कर लो। 4 दिन में आएगा, 7:30 में, 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता। ले खाएगा तो लिया, छोड़ दे छोड़ दे, मैं जा रही हूँ। गिरा मत दियो कुछ है। अभी मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है, ठीक है? अभी थोड़ा जैसा तुम कह रहे थे, जैसा उस पर छपा हुआ था, तुम कह रहे थे ना जो छपा हुआ है ऐसा बना ही हो, वैसे ही बनाया ही मैंने।